Good morning, dear students. You are welcome to your online maths class. This is class 5 maths, chapter 11, area and its boundary. It is part 5 of this chapter and it is last part of this chapter. I hope aap logon ne se pehle ke sabhi 4 parts kar liye honge. To chaliye hum start karte hain part 5. Our next topic is king's story. The king was very happy with carpenters Chegu and Anar. They had made a very big and beautiful bed for him. So, as gift, the king wanted to give some land to Chegu and some gold to Anar. So, king said, Chegu, take as much land as what comes within 100 meter of wire. Chegu was happy. He took 100 meter of wire and tried to make different rectangles. अपने कारपेंटर चेगू और अनार से राजा बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने राजा के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा बेड बनाया था. तो राजा उन्हें गिफ्ट देना चाहते थे, चेगू को कुछ लैंड और अनार को कुछ गोल्ड. तो राजा ने चेगू से कहा कि 100 मीटर वायर में जितना लैंड आ सकता है उतना लैंड तुम ले लो. चेगू बहुत खुश था. उसने 100 मीटर वायर लिया और उसने अलग अलग साइज के रेक्टेंगल बनाना स्टार्ट किए. उसने पहले बनाया 10 मीटर इंटू 40 मीटर रेक्टेंगल. दैट मीन्स की लेंथ 10, ब्रेथ 40, या लेंथ 40, ब्रेथ 10, जैसा भी आप समझो. तो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 400 मीटर स्क्वायर. फिर उसने बनाया 30 मीटर इंटू 20 मीटर साइज का रेक्टेंगल. दैट मीन्स लेंथ 20, ब्रेथ 30, या लेंथ 30, ब्रेथ 20. अब आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज इट्स एरिया, इज इट मोर देन द फर्स्ट रेक्टेंगल. इसका एरिया क्या है, क्या ये पहले रेक्टेंगल से ज़्यादा है? तो देखिए, पहले रेक्टेंगल का एरिया कितना था, 400 मीटर स्क्वायर है ना, या 400 स्क्वायर मीटर. तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. तो 30 इंटू 20 कितना हो गया, 600 स्क्वायर मीटर. तो 600 स्क्वायर मीटर 400 से ज़्यादा है, इसलिए आप लिख सकते हो यस इट इज़ मोर देन फर्स्ट रेक्टेंगल. अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट अदर रेक्टेंगल्स कैन ही मेक विथ 100 मीटर्स ऑफ वायर. डिस्कस विथ विच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स विल हैव द बिगेस्ट एरिया. अब आपको बताना है कि वह और कौन से रेक्टेंगल बना सकता है 100 मीटर वायर से, और आपको ये बताना है कि किसका एरिया बड़ा है. तो चलिए हम कुछ रेक्टेंगल और एक स्क्वायर बनाकर देखते हैं जिसका पेरीमीटर 100 हो. तो देखो, पहला हमने रेक्टेंगल बनाया 5 × 45 साइज का, तो इसका एरिया 225 स्क्वायर मीटर आया. दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लेना. नेक्स्ट है 15 × 35. देखिए, इसका जो वायर का लेंथ है, इसमें हर बार 100 मीटर ही होगा, क्योंकि पेरीमीटर आपको ऐसा चूज़ करना है जिससे कि वायर का लेंथ 100 मीटर हो. इसलिए हमने यहाँ 35 × 15 लिया और यहाँ 45 × 5 लिया. तो इससे आप देखोगे 45 × 2 = 90, 5 × 2 = 10, मिलाकर कितना हुआ 100, 35 × 2 = 70, 15 × 2 = 30, मिला के 100 हुआ. एरिया यहाँ पर आया 225 स्क्वायर मीटर और यहाँ पर 525 स्क्वायर मीटर. दैट मीन्स कि रेक्टेंगल ले रहे हैं तो नहीं हो रहा. अब हम लेंथ और ब्रेथ इक्वल लेते हैं, दैट मीन्स स्क्वायर लेते हैं. देखो, 25 × 25, 625 स्क्वायर मीटर. ठीक है, तो यहाँ पर जो 625 स्क्वायर मीटर है, ये एरिया इन सबसे बड़ा है ना. तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि स्क्वायर का एरिया सबसे बड़ा है. अब नेक्स्ट क्या है, चेगूज वाइफ आस्क्ड हिम टू मेक अ सर्कल विद द वायर. अब चेगू की वाइफ ने वायर से सर्कल बनाने को कहा. वह जानती थी कि इसका एरिया 800 स्क्वायर मीटर होगा. तो चेगू ने रेक्टेंगल क्यों चूज नहीं किया, आपको एक्सप्लेन करना है. तो
चेगो ने रेक्टेंगल चूज क्यों नहीं किया? क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल का एरिया 800 स्क्वायर मीटर नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर राजा ने क्या किया, उसने 800 स्क्वायर मीटर का लैंड चूज कर लिया। अब चेगो बोलता है आई वांट द पीस ऑफ लैंड इट कवर्स एन एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर। तो बता दिया उसने कि यह पीस चाहिए लैंड का, इसका एरिया 800 स्क्वायर मीटर है। अब राजा बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा ओके चेगू हैज टेकन 800 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड। चेगू ने 800 स्क्वायर मीटर लैंड ले लिया है ना, नाउ आई विल गिव यू एज मच गोल्ड वायर विच कैन मेक अ बाउंड्री फॉर लैंड विच एरिया 800 स्क्वायर मीटर। अब मैं तुम्हें उतना गोल्ड वायर दूंगा, उतने लेंथ का गोल्ड वायर दूंगा कि जो इस 800 स्क्वायर मीटर की बाउंड्री बना दे। तो आप ऐसा चूज करो जिसका एरिया जो पेरीमीटर है वो 800 स्क्वायर मीटर लैंड का बाउंड्री बना दे, ठीक है ना। तो उसको ऐसा लैंड चूज करना था कि जो लैंड क्या करे 800 स्क्वायर मीटर बनाए और उस लैंड का जो बाउंड्री होगा उतना लेंथ, दैट मीन्स पेरीमीटर, उतना लेंथ का गोल्ड वायर अनार को राजा देगा। तो अब अनार तो बहुत चालाक थी, उसने बहुत तरीके अपनाए जिससे कि वह बड़े से बड़ा वायर फाइंड कर सके। सो अनार आल्सो ट्राइड मैनी डिफरेंट वेज टू मेक अ बाउंड्री फॉर 800 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड। He made rectangle ABC of different sizes. Find out the length of the boundary of each. How much gold wire will he get for these rectangle? अब आपको बताना है कि उसको कितना गोल्ड वायर बनेगा मिलेगा इन रेक्टेंगल के लिए। उसने 800 स्क्वायर मीटर लैंड बनाया, उसके लिए रेक्टेंगल बनाए ABC। तो वो रेक्टेंगल क्या है आप देखिए, ये रेक्टेंगल A है 14x20 साइज का, रेक्टेंगल बी है 18x10 साइज का। तो इनकी बाउंड्री निकालनी है, तो देखो बाउंड्री मीन्स पेरीमीटर ही होता, तो रेक्टेंगल ए की बाउंड्री क्या होगी 2x लेंथ प्लस ब्रेथ। 40x20 ऐड करके 2 का मल्टीप्लाई करिए 16x2 120 मीटर। बी के लिए क्या होगा, 80 और 10 लिया है तो ये 92 जब 180। अब देखिए रेक्टेंगल सी क्या लिया है इसने, रेक्टेंगल सी और डी, सी लिए 800 मीटर लेंथ और 1 मीटर ब्रेथ, और डी रेक्टेंगल है 8000 मीटर लेंथ और 0.1 मीटर ब्रेथ। अब इनका भी हमें बाउंड्री निकालना है, तो पेरीमीटर निकालिए 2x लेंथ प्लस ब्रेथ, क्या हो जाएगा 800 प्लस 1, तो 801x2 1602 मीटर। अब इससे भी बड़ा बनाया उसने, क्या किया ब्रेथ को 0.1 कर दिया, तो 0.1 ऐड होगा तो 8000 और लेंथ 8000, तो 8000.1x2 16000.2 मीटर। दैट मीन्स कि बहुत बड़ा बाउंड्री बन गया। तब यहाँ पर देखना कि राजा क्या कहते हैं, गोस हाउ कैन आई गिव सो मच गोल्ड। तो राजा परेशान हो जाते कि मैं इतना गोल्ड कैसे दूंगा। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई द किंग फेंटेड। अब क्या आप समझ सकते हो कि राजा फेंटेड क्यों हुआ। कैन यू मेक अ रेक्टेंगल विथ अ स्टिल लॉन्गर बाउंड्री। क्या आप अभी भी लॉन्गर बाउंड्री का रेक्टेंगल बना सकते हो। आई मेड अ रेक्टेंगल 1 सेंटीमीटर एंड 80,000 मीटर लॉन्ग। इमेजिन हाउ लॉन्ग दैट बाउंड्री विल बी। अब इमेजिन करो उसकी बाउंड्री कितनी लंबी होगी। तो इन दोनों को ऐड करके 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो निकाल सकते हैं आप विद मच गोल्ड वायर आई कैन बिकेम द किंग। इतना गोल्ड वायर कि खुद ही राजा बन जाए। तो ये चैप्टर आपका स्टूडेंट कंप्लीट हुआ। अनार जैसी चालाकी आप भी कर सकते हो, तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। और जहाँ कहीं भी किसी टॉपिक में परेशानी आई हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन हैव अ नाइस डे। बाय बाय।